हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा, ये महीना 15 अगस्त का चल रहा है, ये अगस्त का महीना है, सामने 15 अगस्त है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि हम 15 अगस्त पर कोई भाषण दें इंग्लिश में वो फिर इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भाषण देने के लिए आपको मैटर का ज़रूरी है कि हम इंग्लिश में क्या बोले। तो बच्चे क्या होता है कि डर जाते हैं कि कैसे उसको हम कहाँ से कलेक्ट करें। तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं इसे जो लिखे हुए स्पीच है मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने भी जा रहा हूं, इसको कैसे पढ़ाया जाएगा मैं आपको बता भी रहा हूं। और प्लस इसमें जो आप नोट डाउन करेंगे इसको आप स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, तो धीरे धीरे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। 15 अगस्त, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर, गेस्ट एंड माई डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी ऑल नो दैट टूडे इज 15 अगस्त, वी आर गैदर हियर टू सेलिब्रेट 76 इंडिपेंडेंस डे, एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रिंसिपल हु हैज़ गिवन द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर ऑन दिस ग्रेट ओकेजन, एट दिस स्पेशल ओकेजन ऑन द इंडिपेंडेंस डे। आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस इंडियन स्ट्रगल फॉर गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। लॉन्ग ईयर्स एगो ग्रेट इंडियन लीडर वॉज मेड रेस्टी विथ डिस्टनी टू गिव अस ए फ्री एंड पीसफुल कंट्री बाय द सेक्रीफाइजिंग दियर कम्फर्ट ऑफ लाइफ। टूडे वी आर गेदर हियर टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विदाउट एनी फेयर एंड हैविंग हैप्पी फेस जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। फॉर फादर वी कैन नॉट इमेजिन डेट हु द मोमेंट वॉज क्रिटिकल ऑफ द टाइम। वी हैव नथिंग टू गिव आवर फॉर फादर्स रिटर्न for their previous hard work and sacrifices. We can only remember them and their needs to make a hearty salute while celebrating this national events. They would always be in our heart. After the independence, India got new birth with happy face of all Indian citizen. India got independence on 15 of August in 1947 from the clutches of British rule. Indian people all over the country, Indians, when Indian tricolor flag was unfolded by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, at the Red Fort, Delhi, we should feel proud to with these few words I would like to in my speech. Jai Hind, Jai Bharat. तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दिया, आप अपने बच्चों को या फिर आप खुद देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और साथ में ये भी कहूँगा कि इसको बेहतरीन ढंग से अच्छे तरीके से इसको उतार लें और इसको याद करें। आप किसी भी स्टेज में या फिर कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें अच्छा से आप बोल सकें। तो और भी कुछ हिंदी में, उर्दू में या किसी में भी आपको चाहिए, कोई भी लैंग्वेज में चाहिए, ये तीनों में से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उर्दू भी दे सकता हूँ, हिंदी भी दे सकता हूँ। तो चलिए, इसके लिए आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।